युवा अधिवक्ता संघ आगरा मंडल ने हापुड़ की घटना के विरोध में किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार। आपको बता दें कि युवा अधिवक्ता संघ के संरक्षक सुनील शर्मा, मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा, अधिवक्ता सहयोग समिति के अध्यक्ष उमेश वर्मा, आगरा लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, जौली एडवोकेट के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 बजे न्यायालय प्रांगण में एकत्रित हुए। इसके बाद 50-50 अधिवक्ताओं की टोली बनाकर सेशन कोर्ट बिल्डिंग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाली बिल्डिंग में पूर्णता न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। इसके उपरांत टाइपिस्ट एवं स्टैंप वेंडर्स को भी कार्य बहिष्कार में सम्मिलित कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके उपरांत सभी बार संघ के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से गेट नंबर 2 पर सभा की, जिसमें समस्त अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। सभा को संबोधित करते हुए संघ के संरक्षक ने कार्य बहिष्कार जारी रखने का ऐलान किया। मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा ने कहा कि मुकदमे वापस न लिए जाने तक आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये घटना 26 सितंबर को एक बार घटित हो चुकी है। कई सालों बाद भी न्याय नहीं मिला। घटना की न्यायिक जांच मुख्य न्यायाधीश महोदय की निगरानी में समिति गठित होनी चाहिए, जो बार काउंसलिंग तय करेगी। चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कुछ अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन का विरोध किया और कहा कि जब हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहां पुलिस का क्या काम। पुलिस को देखकर अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि इस दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने गेट नंबर 2 पर पुलिस प्रशासन का पुतला फूंकने की कोशिश की, तो पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, तो अधिवक्ताओं का पुतला फूंकते समय पुलिस से नोकझोंक हो गई। प्रभात फेरी में संरक्षक सुनील शर्मा, मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश वर्मा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। देखिए, हापुड़ में जो अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा जो बर्बर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर का अधिवक्ता आक्रोश में हैं और जगह जगह धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने शासन को पत्र लिख करके कहा है कि हापुड़ के जिलाधिकारी, एसएसपी और वहां के क्षेत्राधिकारी को हटाया जाए, उस पर तत्काल जो है क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था बार काउंसिल ने, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। हम सब अधिवक्ता सारे बार संघ एकत्रित होकर के इस बात के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि सबसे पहले जो भी घटना हुई है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बार काउंसिल ने जिस तरह का जो शासन को पत्र लिखा है उसके आधार पर वहाँ के जिलाधिकारी और SSP और क्षेत्राधिकारी को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसको लेकर ही हमारा यह धरना प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन जो है द्वारा यहाँ ACM या जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनके माध्यम से भेजा जाएगा। ये हमारी आज की ये कार्यवाही है। आगे बार काउंसिल जो भी निर्णय लेगी, क्योंकि बार काउंसिल में मीटिंग हो रही है, तो क्या उनकी रणनीति रहती है, क्या आदेश होता है, सारे बार संघ उनसे संबंधित हैं, इस वजह से हम लोग उसी आधार पर काम करें।